आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि आज अनीता क्या कर रही है, आज मैं ना साग काट रही हूँ। अच्छा ये बताइए, मेरे तरीके से कौन कौन साग को काटता है? मतलब साग तो सभी काटते ही हैं, मेरा मतलब ये था मैं ना चाकू से इस तरीके से साग को काटती हूँ जैसे हम धनिया वगैरह सब्जी काटते हैं। नॉर्मली ना साग को दतैड़े से काटा जाता है, लेकिन मैं दो बार ट्राई कर चुकी हूँ। मतलब मैंने ऐसा नहीं है कि कोशिश नहीं की है, मैं ना कोशिश करती हूँ साग को काटने की जो दतैड़ा होता है। लोग तो उससे आलू तक भी छील लेते हैं, पर मुझसे तो साग तक भी नहीं कटता है उससे। जैसे मैं काटती हूँ ना, और जो हथेली का हिस्सा होता है ये, पता नहीं क्यों साग तो कटता नहीं है, मेरी ना हथेली कट जाती है। तो मैंने दो बार ट्राई किया है, तो चोट लगने से अच्छा है ना अपना चाकू से ही काट लो। तो खेत से लेके आई थी बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सरसों का साग और पालक का साग, अपने खेत का मैंने टूर कराया ना आपको, वहाँ पे बोया हुआ है, उसको लाने के बाद मैंने काट लिया था। बट मैंने ना साग को अभी तक धोया नहीं था, क्योंकि धोने के बाद ना वेट करना पड़ता है ना इसका सूखने का भी, मॉइस्चर सूखने का, तब कटता है साग। खेत में वैसे भी फ्रेश ही है, हमने चारों तरफ ना उसको कवर किया हुआ है, तो कोई गंदगी का मतलब तो है नहीं। इसको ना मैं काटने के बाद धो रही हूँ, तो यहाँ पे ना हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। सासू माँ बैठी हुई है, हस्बैंड बैठे हुए हैं, बात भी करते रहते हैं, और ये काम ना थोड़ा सा आराम से ही होते हैं, मतलब साग वगैरह सब्जी वगैरह काटने के। काटने के बाद मैंने यहाँ पर ले लिए एक बड़ी सी बाल्टी, और मैं साइड में ना कपड़े भी धो रही हूँ, तो ये मैंने पाइप लगाया हुआ था। तो चलते पानी में ना इसको मैं 2 से 3 बार धो लेना है। साग ना चाहे हमारा कितना भी फ्रेश हो, लेकिन उसमें ना धूल मिट्टी लग जाती है, क्योंकि जो पालक और सरसों के पत्ते होते हैं ना वो नीचे धरती से अटैच होते हैं, जिसकी वजह से छोटे छोटे रेत के कण ना पत्तों पे चिपक जाते हैं, जो कि एक आध बार धोने से ना साफ नहीं होते हैं, छूटते नहीं हैं। मेरे साथ एक दो बार ऐसा हो गया है, पता नहीं क्यों ना धूल मिट्टी सी रह जाती है साग में, इसको किरकल बोला जाता है। तो वो बाद में ना पता चलता है जब हम तड़का वगैरह लगा लेते हैं, चीज़ों को तैयार कर लेते हैं। चलते पानी में मैंने धो लिया है यहाँ पर ये साग, और उसके बाद इसको बनाऊंगी मैं हांडी में। ये है मिट्टी की हांडी, तो इसमें मैं 2 साल से साग बनाती आ रही हूँ, और हम जैसे गांव में रहते हैं तो इनमें चीज़ें ना बहुत अच्छी बनती है, स्वाद भी अलग ही होता है। अब ये है ना मेरी शैतानी करने वाली आदत नहीं जाएगी, अगर ये हाथ में से मेरे छूट जाती फूट ना जाती। चलिए ये ना मस्त छोटी छोटी ना चलती रहती है। वैसे मेरा जो मिजाज है ना थोड़ा सा ना खुरापाती बच्चों वाला ही है, मैं 2 बच्चों की माँ बन चुकी, लेकिन अभी भी ना दिमाग बच्चों वाला ही है, पता नहीं क्यों। चलिए वैसे तो इस मिट्टी की हांडी में मिट्टी के चूल्हे पे ही खाना बनाया जाता है, लेकिन मतलब चूल्हा चलाने का ना सिस्टम नहीं है मेरे घर में, तो मैं ना गैस पे ही रख लेती हूँ इसको। तो 2 साल से रखती आ रही हूँ ना, तो ये पक चुकी है। बस गैस पे भी बनाने की एक टेक्निक होती है, मैं कभी भी इसको हाई फ्लेम करके नहीं रखती हूँ, यहाँ तक कि मीडियम फ्लेम भी बहुत ही कम करती हूँ जब ये अच्छे से गर्म हो जाती है। तो गैस का फ्लेम बिल्कुल ना लो करके और सांडी को रख दिया है, और इसमें ना 1 गिलास के जितना पानी डाल दिया है। इसमें नमक वगैरह ना सब कुछ डाल देते हैं, और अभी ना हमारे खेतों में मेथा तैयार नहीं हुआ है, उसके बिना साग में ना टेस्ट नहीं आता है, तो उसकी जगह मैं यहाँ पर ये मेथी के ना दाने डाल देती हूँ 1 चम्मच के करीब। साग में बहुत अच्छा टेस्ट आता है, यकीन मानिए, आप बना के देखिएगा। साथ में पानी के अंदर ही हमने डाल दिया है नमक, और साथ में हम यहाँ पर डालेंगे हींग। अच्छा हींग अगर आपका अच्छी क्वालिटी का होगा ना, तो चीज़ों में या सब्जियों में या फिर जो भी आप चीज़ें बना रहे हैं ना उनमें अच्छा टेस्ट देते हैं। मेरे घर में ना 2 ही तरीके के हींग खाए जाते हैं, या तो MTH का या फिर कैच वगैरह का। इससे मतलब अलग हींग मैं लाना पसंद नहीं करती, और पता नहीं क्यों ना उसमें टेस्ट भी नहीं आता है। इसके बाद इसी पानी के अंदर ना हमने हरी मिर्च को भी काट दिया है। बच्चे का ना पता नहीं, मतलब मेरे जो बच्चे हैं ना दोनों का ही मुँह आ रखा है, तो उनको मतलब छाले से हो रहे हैं मुँह में, जिसकी वजह से उनको मिर्च लगती है ज़्यादा। मैंने यहाँ पर कम ही मिर्च डाली है, क्योंकि खाना बन जाएगा चटपटा बन गया तो बच्चे खाएंगे नहीं, बनाने का ना फ़ायदा नहीं होगा कुछ भी। जब ये पानी ना गर्म सा हो जाता है ना थोड़ा थोड़ा सा, तो ये कटा हुआ साग हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठंडे पानी में नहीं डालना है इसको। अच्छा अब मैं साइड में अपना काम भी कर रही हूँ, तो इसको ना रख के अब मैं भूल जाने वाली हूँ, क्योंकि ना तो ये उबलेगा ना ही ये जलेगा, क्योंकि साग हमने यहाँ पे डाला हुआ है ना, तो इसमें काफ़ी सारा मॉइस्चर होता है, और ऊपर से मैंने पानी भी डाल दिया है सेफ्टी के लिए। चलिए साइड में ना मैं थोड़ा सा काम भी निपटा लेती हूँ। थोड़ा सा काम कहाँ है, ये तो बहुत सारा काम है। सही पूछे, आज ना संडे का दिन है, तो सुबह जल्दबाजी में खाना वगैरह तो खा लिया था, आज तो लंच पता नहीं कब मिलेगा खाने के लिए। यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई है। संडे के दिन क्या होता है ना, बच्चों की ड्रेस वगैरह भी हो जाती है, और अपने कपड़े भी बहुत सारे हो जाते हैं। ऊपर से ना सर्दियाँ शुरू हो चुकी है ना, तो गर्म कपड़े भी निकाले हैं कुछ, तो उनको भी धो लेती हूँ। रखे रखे ना स्मेल हो जाती है, वैसे तो मैं धो के रखती हूँ, बट जब निकाल के पहनते हैं ना तब भी मैं उनको ना धो के पहनती हूँ, नहीं तो एक अजीब सी गंदी सी स्मेल आती है। आज कम से कम मेरी जो मशीन है ना ये 3 से 4 घंटे के लिए चली है, मतलब बहुत सारे कपड़े धोया है, और मेरी हालत देख के ही आप पता लगा सकते हो कि मेरा क्या हाल हो रहा है।
मतलब कपड़े भी सारे गंदे हो रहे हैं, कहीं भीग रहे हैं, कहीं पाइप पड़ा हुआ है, कहीं पानी पड़ा हुआ है, कहीं बर्तन रखे हुए हैं। ये सारा काम देख के ना मेरा तो दिमाग सा ख़राब हो जाता है। तो मैं जैसे खाना बनाती रहूँगी साथ ही साथ ना जितना मुझे टाइम मिलेगा इसको भी मैं निपटाती चलूँगी। इस फ्रिज की भी मुझे सफाई करनी है, काफ़ी दिन हो रहे हैं, मतलब नंबर ही नहीं आ रहा है। मोटी मोटी सफाई तो मैं कर देती हूँ। देखिए मेरा फ्रिज आपको खाली खाली नज़र आ रहा होगा, भले ही हम आज के ज़माने में हैं लेकिन हमारा रहन सहन ना पुराने ज़माने का है। हम फ्रिज में रखी हुई चीज़ नहीं खाते हैं, फ्रिज में बहुत ही कम चीज़ें रखते हैं। अगर मैं बोलूँ तो केवल हम फ्रिज में ना दूध रखते हैं, क्योंकि उसके ऊपर से कभी कभी मलाई उतारनी होती है ना, वो रखते हैं। और दूसरा अगर मैं बाहर भी रख देती हूँ तो यहाँ पे बिल्ली वगैरह आती है तो वो ख़राब कर देती है। तो ये मोटी मोटी सी सफाई कर ही लेती हूँ। इधर देखिए क्या हाल हुआ पड़ा है, नीचे फर्श की तरफ अगर आपको ध्यान जाएगा ना तो गीला हो रहा है, कहीं पाइप पड़ा हुआ है, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो रहे थे आज। पिछले 2-2.5 घंटे से मैं कपड़े धो रही हूँ और साथ में काम भी कर रही हूँ, खाना वगैरह बना रही हूँ। मेरे कपड़े तो धोने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, मतलब अगर यही कपड़े मुझे हाथ से धोने पड़ जाते ना तो आज तो मेरी जय माता की हो जाती। मतलब बहुत बुरी तरीके से तक से आती, बाल्टी भर भर के ऊपर फैला के आ रही हूँ। हालांकि जब मैं कपड़े धोती हूँ ना मुझे ऊपर छत पे जाने की ना ज़रूरत ही नहीं पड़ती, मेरा काम ना यहीं चल जाता है। लेकिन आज इतने कपड़े हो गए हैं कि एक बहुत बड़ी रस्सी मैंने बांधी हुई है, 2 रस्सी पहले से ही बंधी हुई है, और जो चारों दीवार है ना छत की उस पे भी सारे में कपड़े कपड़े फैला दिए हैं। यहाँ तक कि कुछ कपड़े जो हल्के हल्के थे ना मैंने नीचे ही डाल दिए, जहाँ पर मैं रेगुलर कपड़े डालती हूँ, मतलब इतने सारे आज कपड़े हो रहे थे। वैसे तो आपको मेरी हालत देख के दिखाई दे रहा होगा ना कि क्या हाल हो रहा है। आधी थैली थी ये सरफ की, ये भी ख़त्म हो चुकी है, लास्ट बिल्कुल फाइनल कर दिया है। यहाँ पे ना सरफ भी कम रह चुका है। चलिए कोई बात नहीं, संडे का दिन है तो आज मौका मिल ही गया है, खाना मिलेगा करीब 2-2.5 बजे जाके, कोई बात नहीं, काम तो निमट ही जाएगा ना। चलिए युद्ध पे चलते हैं सर पर दुपट्टा बांध के। जब मेरे पास बहुत ज़्यादा काम होता है ना, जैसे मैं यहाँ पे छत पे आ गई हूँ तो यहाँ पे दुपट्टा ओढ़ के तो आना ही पड़ता है ना, तो मैं तो इस तरीके से बांध लेती हूँ, काम करने में आसानी रहती है, क्योंकि पल्लू वगैरह भी करना होता है ना। ये देखिए खीर मलाईदार और एकदम खुरचन वाली खीर बनाई है। इसकी रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ, आप चाहे ना वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ये खीर ना बहुत टेस्टी लगती है। तो खीर को मैंने इसी में बनाया था ना, तो यहाँ पर मैं काम भी निपटा रही थी। चलिए खीर ना मैं बना के लेके आ गई हूँ और अब खाने की तैयारी कर ही देते हैं फटाफट से, क्योंकि लगभग में 12 बज चुके हैं और अभी तो और भी ज़्यादा टाइम लगने वाला है मुझे काम करने में। इधर साग वगैरह को छोंक के ना और काम कर लूँगी। जैसे यहाँ पे साग गल गया है ना, तो उसके लिए हमें पता क्या करना है, इसका ना पानी सा होता है ना ये निकाल देना है। और ये मैंने ले लिया है घोटना, मतलब पुराने टाइम से ना, या पुराने लोग हमारी दादी नानी मम्मी जो भी है ना इसी साग को घोटती थी। आजकल के ज़माने में क्या होता है, साग को कुकर में उबाला और मिक्सी में घोट घाट के पीस के तैयार कर दिया, पता है उसमें वो टेस्ट ही नहीं आता है बिल्कुल भी, जो टेस्ट इस साग में आता है। अब इसमें ना हम सूखा आटा डालेंगे, तो जैसे कि ये साग गल जाता है और उसकी ना हल्की सी घुटाई कर देते हैं, उसके बाद वो घुटना बंद हो जाता है, मतलब पीसना बंद हो जाता है ना। तो यहाँ पर 3-4 चम्मच के जितना गेहूं का आटा डाल देते हैं। वैसे डालने वाले तो बाजरे का आटा भी डालते हैं, मक्की का आटा भी डालते हैं, बट मुझे तो गेहूं का आटा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए इसको भी मैं घोटती रहूँगी और साथ में ना इसके तड़के लगाने की तैयारी करते हैं। ये मैजिक है मेरे लिए। ये फ्री की एक सराई है मेरे पास, इसका ना मैंने मैजिक नहीं, इसका तो मैंने बहुत कीमती चीज़ बनाई हुई है। इसमें मैं इतना तड़का लगा चुकी हूँ तो आपको खुद ही नॉन स्टिकी नज़र आ रहा होगा, जबकि लाल कलर के होते हैं ना मिट्टी के जो बर्तन, मतलब इसका कलर ना ऐसा था जैसा मेरी हांडी का कलर है। तो जब तक ये गर्म होगा ना, जब तक हम अपनी साग की ना घुटाई कर लेंगे, जितना भी टाइम मिलेगा उसकी घुटाई अच्छे से कर लेते हैं। तो इसकी जो घुटाई है ना वो तो लगभग में हो ही चुकी है। अच्छा जैसे आप साग वगैरह खाते हो ना उसको हल्का सा दरदरा ही रखिएगा, और ज़्यादा बारीक करना चाहते हैं तो इस तरीके की हांडी में घोट के देखिएगा, इसमें चाहे कितना भी बारीक कर लो आप तो स्वाद आएगा। मिक्सी में अगर आप बारीक कर लोगे ना साग को बिल्कुल भी स्वाद नहीं आएगा। जो बचा हुआ पानी था वो भी मैंने डाल दिया है और साग जो है ना यहाँ पे घुट के तैयार हो चुका है। अब हम तड़के की तैयारी कर देते हैं। स्टेप पे में आप मिर्च देख रहे हैं ना, जो घर में हरी मिर्च आती है मैंने वो सूखा सूखा के रखी हुई है, मतलब जो बच जाती है तो उनको मैं सूखा देती हूँ, डब्बे में रख लेती हूँ, तड़का लगाने के काम आ जाती है। यहाँ पर ये दिया भी अच्छे से गर्म हो चुका था, मैंने तेल डाल दिया है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी सरसों के दाने, थोड़ी सी मेथी के दाने, थोड़ा सा हींग और एक मिर्च को इस तरीके से तोड़ के डाल देंगे। इससे ज़्यादा तड़का नहीं लगाएंगे। अगर आप लहसुन प्याज खाते हो ना तो लहसुन प्याज का तड़का भी लगा सकते हो, बट हमारे घर में तो लहसुन प्याज स्किप किए जाते हैं ना, तो लहसुन प्याज का तड़का नहीं लगाया जाता है।
अच्छा, जब हम लहसुन प्याज खाते थे और जब हमने लहसुन प्याज छोड़ा, तो मुझे दो तीन चीज़ें ऐसी नज़र आ रही थी कि गुजारा नहीं होगा लहसुन प्याज के बिना। मतलब साग भी अच्छा नहीं लगता और कढ़ी भी अच्छी नहीं लगती लहसुन प्याज के बिना। पर जब मैंने बनाई ना, तो लहसुन प्याज की मुझे ज़रूर खुद ही नज़र नहीं आती है। जब तड़के में आग लग जाती है ना, तो बस इसमें डाल देना चाहिए और इसको ना इस तरीके से हिला देना चाहिए। पता है क्या होता है, जितना इसमें धुआँ है ना, वो बाहर नहीं आना चाहिए। धुएँ का पूरा टेस्ट हमारे साग के अंदर चला जाना चाहिए। देखिए 12 बज चुके हैं, सुबह कम से कम 5 बजे से मैं उठी हुई हूँ और इसी तरीके से लग रही हो। यकीन मानिए बाल तक बहाने का टाइम नहीं मिलता है। दुपट्टा कहाँ से ओढ़ रहा हूँ, आप लोग कमेंट करते हो ना कि दुपट्टा ओढ़ा करो भी। आपको लग रहा है मैं इस हालत में दुपट्टा ओढ़ सकती हूँ, यहाँ पर साड़ी पहन सकती हूँ। मक्की के आटे की रोटी बना रही हूँ, तो इसकी जो रोटी बनाई जाती है ना, थोड़ा थोड़ा ही आटा करके लगाया जाता है ना। अच्छा एक बात बताऊँ, मक्की की रोटी बनाने में मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं अपने आप को एक्सपर्ट नहीं मानती हूँ, ना ही हूँ भी नहीं हूँ वैसे मैं। मतलब मुझसे बनती नहीं है, मैं तो जुगाड़बाजी करके ही मक्की की रोटी बनाती हूँ। अब साग के साथ फैमिली वाले खाते हैं तो बनानी तो पड़ती है। अगर अपनी बात हो तो चावल ही उबाल लें, लेकिन इनका भी थोड़ा ध्यान रखना होता है ना। तो जैसे मक्की के आटे की मैं रोटी बनाती हूँ ना, तवे को हल्का सा ग्रीस कर लेती हूँ। पता क्या होता है मुझसे कितनी बार कि जैसे मैंने रोटी डाली ना, वो उतरती नहीं है, और छोटे साइज की रोटी बनाती हूँ मैं। ऐसे पहले जब मैं मक्की के आटे की रोटी बनाती थी ना, मतलब जब मुझे पता था, जैसे हम नॉर्मल गेहूँ का आटा गूंथते हैं ना, ऐसे गूंथ के रख लेती थी और वो मुझसे बनती नहीं थी। तो फिर मुझे मेरी सासू माँ ने बताया कि इस तरीके से बनाई जाती है, हालांकि मुझसे बनती नहीं है। यहाँ पर तो मैं थोड़ी सी ना चीटिंग कर लेती हूँ, ना भी मेरे हस्बैंड को पता है और ना ही मेरी सासू माँ को पता है। मैं तो इसमें थोड़ा सा घी का आटा लगा लेती हूँ, तब तो मुझसे बन जाती है। अगर मैं प्योर मक्की के आटे की रोटी बनाती हूँ ना, तो मुझसे नहीं बन पाती है, यकीन मानिए। लेकिन अब वो पहचान लेते हैं कि तूने इसमें घी का आटा मिलाया हुआ है। जब नहीं बनती है, बनी बनाई खानी है, तो थोड़ा तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। बट इस तरीके से भी रोटी बहुत आसानी से बन जाती है। ज़्यादा नहीं लगाया मैंने इसमें घी का आटा, बहुत थोड़ा सा, 1-2 चम्मच के जितना ही लगाया हुआ है, बस ताकि मैं इसको बेल सकूँ। अच्छा, गैस पे इस तरीके की बाजरे की, मक्का की या पानी के हाथ की रोटी सेकने की भी एक टेक्निक होती है। अगर हम इस पे इसी तरीके से डाल के छोड़ देते हैं, तो रोटी जल जाती है, अंदर से कच्ची रह जाती है, सिकती नहीं है। हमेशा ना रोटी को इस तरीके से उठाते उठाते सेकिए, तो रोटी आगे पीछे से अंदर तक जाके अच्छी से सिक जाती है। इवन ऐसे ही सिकती है ना, जैसे मिट्टी के चूल्हे पर सिकती है। वैसे मक्का की रोटी अगर हम जैसे चूल्हे में आग जलाते हैं ना, उस पर सेक के खाते हैं, तो खाने में ना ज़्यादा स्वाद लगती है, मीठापन भी आ जाता है इनमें। चलिए खैर कोई बात नहीं है, एडजस्ट तो करना ही पड़ता है। अब मिट्टी के चूल्हे पे चलाऊंगी तो गैस भी काम नहीं निमड़ता है, मिट्टी के चूल्हे पे तो शाम ही हो जाएगी ना। तो देखिए यहाँ पर मैंने अभी कम ही रोटी सेकी है, क्योंकि ये जो रोटी है ना, साथ के साथ ही सेकी जाती है, साथ के साथ ही खाई जाती है। बेटे को लग आई है भूख, ये आ गया साग के पास, हाथ जल गया प्लेट उतारते हुए। चलिए फटाफट से बच्चों को जरा खाना करके दे ही देती हूँ। लगभग में ना 1-1.5 बज चुका है, यही काम करते करते बहुत टाइम हो रहा है। बीच बीच में मुझे एक काम बंद भी करना पड़ गया है, और काम करने के लिए साग के अंदर से वो सुराही निकाल ली है। साग मैंने यहाँ पर एक कर लिया है इस बर्तन में, और फटाफट से ना आपको सर्व कर देती हूँ, वीडियो को एंड करती हूँ, और फिर अपने बच्चों को देख लेती हूँ। सबसे पहले लग चुकी है कान्हा जी की भूख की थाली। मक्खन रख दिया है, साग रख दिया है, बनी हुई खीर रख दिया है, और ये मक्का की रोटी, पानी रख दिया है। चलिए कान्हा जी को खुश कर देते हैं। आज फ्रेश फ्रेश मक्खन था ना, तो वो भी मैंने डाल दिया है। अच्छा, जिस दिन मैं मक्खन बनाती हूँ, केवल मक्खन तो मैं उसी दिन देती हूँ कान्हा जी को, बासी मक्खन नहीं देती हूँ। थाली ना तैयार हो चुकी है।